क्या आपका बच्चा भी दूध पीने के बाद तुरंत पॉटी कर देता है? ऐसा बच्चा क्यों करता है? ऐसा जब भी बच्चा करता है तो सभी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि बच्चे ने दूध पिया और पॉटी कर दी, अब बच्चे को क्या लगेगा, कैसे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो इन्हीं सारे सवालों से जुड़े हुए आंसर आज मैं आपको करने वाली हूँ। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा दूध पीता है और जस्ट पॉटी कर देता है, तो प्लीज़ आप सब वीडियो को कंप्लीट देखें, एक भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आप सबके साथ रेशु, आप देख रहे हो रेशूज बेबी केयर यूट्यूब चैनल। चलिए फिर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जब बच्चे दूध पीने के बाद पॉटी कर देते हैं तो इसका मेन रीज़न होता है गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट। मतलब बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो भी बच्चा खाता है पीता है और तुरंत ही बच्चा पॉटी कर देता है, ये उसी रिफ्लेक्ट के कारण होता है। तो पहली चीज़ तो अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है, आपने दूध पिलाया, चाहे बॉटल फीड चाहे ब्रेस्ट फीड, या बच्चे ने सॉलिड लेना स्टार्ट कर दिया है, आपने कुछ भी बच्चे को खिलाया और बच्चे ने तुरंत पॉटी कर दी, इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो बच्चे ने खाया पिया है वही थोड़ी तुरंत पॉटी बन के निकल जाएगा। जो बच्चा खाने के बाद पॉटी पास करता है वो तो पुराना वाला होता है ना, उसका मतलब जो उसने कुछ टाइम पहले लिया था, 2-3 घंटे पहले जो बच्चे ने लिया था वही निकाला है। तो इसमें ये बात बिल्कुल मन में ना लाएं, बच्चे को कैसे न्यूट्रिशन मिलेंगे, क्या बच्चे का होगा, कैसे बच्चा हेल्दी बनेगा, ये अक्सर माओं के मन में सवाल आता है। तो इससे आपके बच्चे की हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इस बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। ये जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल सभी बच्चों में, मतलब अधिकतर बच्चों में देखी जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं ये, लेकिन अधिकतर बच्चे कुछ भी खाने पीने के बाद पॉटी पास कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ऐसा जो बच्चा कर रहा है ना, वो मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 महीने तक ही करेगा कि दूध पिएगा और पॉटी कर देगा, ठीक है। और जैसे ही बच्चा 5-6 महीने का हो जाएगा, बच्चे की जो ये प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, कभी कभी ही फिर बच्चा ऐसा करेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न है, 3 से 4 महीने तक का है, तो ऐसा बच्चा हर बार कर सकता है। जैसे ही आप ब्रेस्ट फीड कराने स्टार्ट करोगे बच्चा पॉटी कर देगा, तो इसमें घबराएं बिल्कुल नहीं। नॉर्मली जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो ज़्यादा पॉटी करते ही हैं, उस टाइम उनका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, इसलिए जो खाते हैं वो तुरंत थोड़ी देर बाद निकाल देते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी न्यूबॉर्न है और दिन भर में 8 से 10 बार भी बच्चा पॉटी कर रहा है, तो ये बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, थोड़ी सी टेंशन दूर हुई होगी कि ऐसा क्यों होता है, सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप रेशूज बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू।